हेलो गाइस, तो मेरा नाम है वंदित और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल वंदित रॉक्स। तो आज हम एक नए वीडियो लेकर आए, जिसका टॉपिक है अगर आप एक नए यूट्यूब चैनल हो, मतलब अगर नए यूट्यूबर हो और आपने अभी अभी रिसेंटली कोई यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, उसमें वीडियोज़ अपलोड करना चालू किया है, पर उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपका जो वीडियो है उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे। आपने आज भी एक वीडियो डाला तो आपके 10 दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 100-200 व्यूज़ बढ़े नॉर्मली। तो इसका एक इफेक्टिव अच्छा सा सॉल्यूशन आज मैं लेके आया हूँ आपके साथ, शेयर करूँगा। बने रहना वीडियो के एंड तक। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो गाइस, इसके लिए आपको बेसिक एक अच्छा सा लैपटॉप या फिर पीसी होना चाहिए। आपको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, मतलब पाइथन को यूज़ करना थोड़ा आना चाहिए। वैसे भी पाइथन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पाइथन को कैसे डाउनलोड करना है पाइथन की लिंक डाल दूंगा। और जो मतलब यहाँ पे कोड लिखना है उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उधर से कॉपी पेस्ट करके अपने मतलब पीसी में उसको रन करवा सकते हो, तो आपको ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो हमें हमें करना क्या है कि हमारा जो वीडियो है उसको हमें करना है वायरल। वायरल करने के तरीके होते हैं कि जैसे अपने कोई वीडियो उसको हमने सोशल मीडिया पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर उसको डाल दिया, तो वो बाई चांस कभी वायरल हो भी जाता है, बाई चांस कभी 100-200 तक रीच चली जाती है, अपने जितने रिलेटिव वहाँ तक रीच चली जाती है, फिर वो वीडियो उधर ही कहीं ना कहीं लूप में ख़त्म हो जाता है। तो मेरे पास एक अच्छा इफेक्टिव तरीका है, पर मैं पहले ही आपको बोल रहा हूँ कि ये तरीका सिर्फ और सिर्फ अपने वीडियोज़ पर व्यूज़ को बढ़ाना और जो वॉच टाइम आर्स है उसको कम्प्लीट करने के लिए है। मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दूंगा कि आपके जो भी वीडियोस हैं उस पर लाइक बढ़ेंगे या फिर सब्सक्राइब बढ़ेंगे आपके चैनल पर, उसकी मैं कोई गारंटी नहीं दूंगा। पर मैं इतनी गारंटी जरूर दूंगा कि आपके जो व्यूज़ और जो वॉच टाइम आवर्स है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप डेली भी 1 घंटा करते हो इसको, तो आपकी 1 से 2 महीने के अंदर ही पूरा वॉच टाइम आवर्स जो 400 आवर्स का होता है कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो मैं अपना पाइथन स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड। तो देखिएगा, इस ये जो है ये मेरा कोड है पूरा, मतलब ज़्यादा नहीं, 9 लाइन का ही कोड है। अब मैं इसको बारे में थोड़ा समझा देता हूँ ये करता क्या है। तो सेलेनियम नाम का एक जो मॉड्यूल है वो इधर हमें इंपोर्ट करना है इसमें, और आप जब पाइथन डाउनलोड करोगे या फिर ऑलरेडी डाउनलोड होगा तो लगभग ये इम्पोर्टेड नहीं होगा, मतलब इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पावर शेल में आकर इसको इंस्टॉल करना है, या फिर CMD से भी कर सकते हो, पिप इंस्टॉल सेलेनियम। तो ये देखिए गाइस, नीचे ऐसा कुछ आ जाएगा। अब ये पूरा मेरे ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, तो ये काम हो जाएगा। अब आपको करना है ये, जैसे फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर फ्रॉम टाइम स्लीप इंपोर्ट स्लीप। अब मैंने driver1 के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया है, जिसको मैंने बोला कि webdriver.com, और यहाँ से ये जो पाथ है उसको मैंने कॉपी किया है। तब आप सोच रहे होंगे कौन सा पाथ है, मेरे कंप्यूटर में कैसे आएगा, तो मैं आपको सब बताऊंगा इसके बारे में। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, अपने क्रोम पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है वेब ड्राइवर डाउनलोड। तो फर्स्ट वेबसाइट, फर्स्ट लिंक आ जाएगी वेब ड्राइवर डाउनलोड की। तो ये देखिएगा, इस वेब ड्राइवर डाउनलोड की लिंक है। अब आपको देखना है कि आपका जो गूगल क्रोम आप यूज़ कर रहे हो तो वो कौन से मतलब वर्जन में है। जैसे यहाँ पे 91, 90, 89, 88 ही वर्जन से अवेलेबल है, तो मेरा यहाँ पे 90 है और लगभग 90 का ही होगा सब में। तो इसको मैं क्लिक करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस के लिए, तो हमारा डिवाइस विंडोज़ है, तो विंडोज़ 32.0 पर इंस्टॉल कर लेना है। तो मेरे पास ऑलरेडी सेटिस्फाइड मतलब डाउनलोड है, तो मैं इसको अभी डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। तो एक बार ये डाउनलोड हो जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लिंक आपको मतलब जो पाथ हमने देखा तो कहाँ से मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पर इसको सेव किया है, ये रहा क्रोम ड्राइवर, जो इसकी फोल्डर उसमें जाके ये क्रोम ड्राइवर application.txt के नाम से आएगा, उसको मैं कर लेना है कॉपी। इसका पाथ को कॉपी करके हमारा जो ये जो YouTube स्टूडियो कोड है वहाँ पर ये जो है ना, इस ब्लैंक स्पेस में उस कोड को कॉपी करना है। कोड को कॉपी कर लेने के बाद अब driver1.get, अब यहाँ पर जो आपका YouTube का वीडियो का लिंक है उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। और जो स्लीप यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्लीप और 10, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपका जो भी वीडियो होगा तो वो 10 सेकेंड के लिए चलेगा और फिर रिफ्रेश होगा। मैं बताता हूँ ये प्रोसेस हो क्या रहा है। ये जो करेगा आपके जो YouTube का जो भी वीडियो है उसको वो लेगा, उसके लिंक लेगा
और कहीं ना कहीं अभी इतने सारे आबादी है तो उसमें से कोई ना कोई एक मोबाइल पर उस वीडियो को भेजेगा। जैसे मेरे पास ये मोबाइल है तो मुझे नहीं पता है क्या हो रहा है, ये कोई भी जो लिंक है वो कोई ना कोई मोबाइल में जाएगी, वो मोबाइल से मतलब कोई भी डिवाइस पे, मोबाइल भी नहीं कंप्यूटर लैपटॉप वो भी रनिंग डिवाइस, वहाँ पर जाके उसके आईपी एड्रेस से इस वीडियो को 10 सेकंड तक चलाएगा, फिर ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा, फिर वो लिंक कोई अगले 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 डिवाइस पर जाएगा। तो ऐसे ही होगा ये काम, तो इससे व्यूज़ आपके बढ़ जाएंगे, वॉच टाइमर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे मेरे पास कोई वीडियो है 30 या 40 सेकंड का, अब मैं यहाँ पर 10 सेकंड लिख रहा हूँ, 10 सेकंड के बाद हो जाएगा, मैं इसको 20 सेकंड भी कर सकता हूँ, ये मैंने 20 सेकंड कर दिया और मैं इसको चालू कर दूंगा, ऐसा ऐसा भी हो सकता है। तो बस यही काम है कि आपको करना है। तो अब मैं आपको क्या करूँगा कि आपको लाइव प्रूफ बताऊँगा कैसे होता है। अब मैं आपको मेरे YouTube चैनल पर एक नया वीडियो अभी हाथों हाथ अपलोड करके आपको बताऊंगा कि कैसा होता है। मैं एक मिनट मेरे YouTube स्टूडियो कोड में चले जाता हूँ। तो हाँ, लास्ट मैंने ये पोम गाइड पोम की वीडियो डाली थी मैंने, 6 दिन हो गए इसको, 6 दिन 1 घंटा अभी जब भी शूट कर रहा हूँ मैं। अब मैं क्रिएट करके मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ, 30 सेकेंड का वीडियो है, मैंने पहले से ऑलरेडी डेस्कटॉप पर निकाल के रखा है सैंपल वीडियो फॉर यूट्यूब, ये अपलोड हो रहा है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे होता है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ पोयम ऑन, इसको नेक्स्ट नो नेक्स्ट 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 पब्लिक पब्लिश। तो गाइज ये मेरा जो वीडियो है वो अपलोड होने वाला है, 95% कंप्लीट हो चुका है। एक बार ये वीडियो अपलोड हो जाए तो इसकी हम लिंक भी, इसकी जो लिंक है वो कॉपी कर लेते हैं। अभी ये जैसे ये रहा वीडियो प्रोसेसिंग 95%, चेयर कंप्लीट नोट्स यू फाउंड क्लोज, ठीक है। तो कंटेंट पे जाता हूँ एक बार, देखता हूँ मेरा वीडियो कॉपी हो गया। अब इसको मैं ऑप्शन गेट शेयरेबल लिंक कॉपी हो चुकी है। अब मैं अपने जो विजुअल स्टूडियो कोड है इसमें वापस जाता हूँ इसको मैंने पेस्ट कर दिया है और अब मैं इसको रन करा रहा हूँ, तो आपको दिखेगा कि हाँ देखो ये रन हो रहा है, ठीक है। तो ये रन होने के बाद ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और वही मेरा वीडियो है, मैंने 10 सेकंड का टाइम लिमिट डाली, 10 सेकंड बाद ये रिफ्रेश होगा। अब ये देखना है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये रिफ्रेश होना चालू हो गया। अभी हर 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होते रहेगा, और अगर आपका जो पीसी वो अच्छा काम करता है, मतलब थोड़ा इफेक्टिव है, मतलब अभी कोई नया पीसी मतलब पुराना तो नहीं है, मतलब पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा अच्छा वर्क करना चाहिए, तो हमें काम कर सकते हैं। ऐसे में अपन 4-5 ऐसे खोल लेते हैं अलग अलग, देखो जैसे मैं खोलता हूँ ये एक एक और खोल दिया, एक और खोल दिया। मैं आपको पहले से वॉर्न कर रहा हूँ कि अगर आपका पीसी इतना नहीं सह कर, इतने सारे एक साथ नहीं सह सकता कमांड्स को प्रॉम्प्ट्स को, तो मत करना, एक एक ही करना, तो फिर मुझे बोलोगे आकर के भैया आपने बोला था ये ऐसे कर लो और हमारा तो पीसी हैंग हो गया, ठीक है। जस्ट जोकिंग, ज्यादा सीरियसली मत लेना। तो इसको मैं इसको इधर ले लेता हूँ, इसको भी ले लेता हूँ, इसको वापस इधर से भी रन करा लेता हूँ, इधर से भी रन करा लेता हूँ। एक है कि इनबॉक्स पर जैसे कि अब आपको क्या समझ आएगा कि ये जैसे ये खुला है, ठीक है, तो साइन इन तो हम वैसे भी नहीं हो रखे होंगे जब ये खुलेगा। अब जैसे वीडियो चालू होगा, देखना वीडियो चालू होगा तो यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, जैसे कि हम सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप क्लिक भी कर दोगे पर कुछ होगा नहीं, क्लिक भी कर दोगे तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो वापस जो प्रॉम्प्ट खुलेंगे उस पर आप कोई भी क्लिक वगैरह मत लीजिएगा, ऐसे चलने रह देगा, ठीक है। इसको अब अपन मिनिमाइज कर देते हैं, इसको चलने देते हैं बैकग्राउंड में। अब अपन आ जाते हैं अपने जो भी हमने जो बनाया था, मतलब
यूट्यूब स्टूडियो कोड में आकर हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या हुआ है। कुछ अभी तक चालू किए हुए शायद 5 मिनट हुए होंगे, तो देखते हैं कितना इफेक्टिव है ये, क्योंकि इस चीज़ को मैंने भी अपने वीडियोस पर अप्लाई कर चुका हूँ, करके देखा हूँ मैं। हाँ, पर एक बात मैं आपको पहले बोल लूँ, एक बात मैं आपको पहले बोल दूं कि जो भी ये वीडियोस, मतलब ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, वो दिन में 1 घंटा 1 घंटा ही करना, मतलब ज़्यादा मत करना, क्योंकि क्या है, यूट्यूब वगैरह ऐसे ही नहीं बने, बहुत चालाक है ये भी। अगर इनको ये मालूम चल गया कि ये हर रोज़ ऐसा कर रहे हो, मतलब हर रोज़ तो खैर 1 घंटा करो कोई बात नहीं है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, पर जैसे पूरे दिन बैठ के 24 घंटे चालू कर दिया इसको, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। और वैसे भी अगर YouTube बैन नहीं करेगा तो फिर अपन को भी ऐसा अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा वीडियो है उस पर हमारे मान लो 100 200 व्यूज आ गए, ठीक है, और लाइक एक भी नहीं है, फिर 2 4 लाइक आ गए तो फिर अपन को पसंद नहीं आएगी, इतना सारे लोगों ने हमारे वीडियोस को देखा पर लाइक किसी ने नहीं किया, फिर अपन को अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसलिए बोलता हूँ 1 घंटा करो रोज, और या तो फिर एक ऐसा काम करो कि एक ऐसा वीडियो बना, जैसे मैंने 30 मिनट का स्टेटस है, 30 सेकंड का वो ले लिया मैंने, उसको मैं चैनल पे अपलोड किया, और मैं इससे करूंगा क्या, मेरे जो व्यूज बढ़ाने हैं वॉच टाइम आज बढ़ाने, व्यूज तो हम खैर कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो हाँ बढ़ा लेंगे, 200 300 व्यूज बढ़ा लेंगे। अब जैसे ये तो वॉच टाइम आज कम्प्लीट करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है कि जो भी एक कोई भी वीडियो डाल दो अपने चैनल पर, कोई भी 30 सेकंड का ऐसा वीडियो, 20 30 सेकंड का, और उस पर ये करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कम से कम वॉच टाइम और इसका इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि क्या है, जो हमारी कंडीशन होती है, जैसे कि यूट्यूब पर हमारे को एड्स लगाने के लिए कंडीशन होती है कि वॉच टाइम आवर्स इतना होना चाहिए, इतना कंप्लीटेड टारगेट होना चाहिए, सब्सक्राइबर्स का टारगेट रहना चाहिए, ये सब टारगेट रहना चाहिए, तो इनकी क्या कंडीशन होती है, तो कंडीशन फुलफिलमेंट करने के लिए अब देखो सब्सक्राइबर का तो क्या है कि मैंने भी बहुत किया है, ये जो सफोर सबका झोल है, सफोर सबका झोल मैंने भी बहुत किया है, तो पर कुछ कुछ बेकार, एकदम सब बेकार चीज है। उस टाइम के लिए मेरा मेरा ही सब्सक्राइब बढ़ेगा, उसका भी सब्सक्राइब बढ़ेगा। अब मैं एक दिन, मान लो 1 घंटे मैंने आज पूरे दिन में ये काम किया, ये सपोर्ट सबका काम, उसमें होता क्या है कि वो हमारे वीडियो को लाइक करते, सब्सक्राइब करते, और हम उसकी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते, और कुछ नहीं होता। 1 घंटा आज पूरे दिन बैठ के किया मैं, आराम से 100 200 सब्सक्राइबर बढ़ भी गए। अब अगर कल आऊंगा तो वापस से वो कम हो जाएंगे, वो पता नहीं ये वापस अनसब्सक्राइब कर देते हैं, मालूम नहीं क्यों करते हैं वो, वो तो वही जाने। अब देखो चालू किए हुए 5 मिनट 5 6 मिनट हुए होंगे, अब देख लो आप मेरे जो व्यूज है, आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो व्यूज है यहाँ पर हो चुके हैं मेरे व्यूज 8, ठीक है, व्यूज मेरा 8 हो चुके हैं, और मैंने अभी अपने जो भी वीडियो है इसको कहीं भी अपलोड या फिर ऐसा कहीं नहीं किया है, अपने ऑटोमेटिकली 8 हुए, और ये जो ग्राफ है वो बढ़ता ही रहेगा जब तक ये चलेगा। अभी 23 व्यूज आप देख लो, मतलब इतने टाइम में इतना बड़ा, मतलब जो जंप है 23 व्यूज का, ठीक है, तो यही है कि इसका इफेक्टिव तरीका ऐसा ही है। हो भी सकता है कि एकदम से अगर 23 हुए तो वापस रिफ्रेश करेंगे तो 22 या 21 हो जाए, तो वापस आगे बढ़ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत देखो 15 हो गए, आपको बोला ना कम हो सकता है, अब वापस रिफ्रेश करो एक बार, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है। मैंने वापस रिफ्रेश किया तो अब देखो क्या होगा, अब 27 हो गए। तो ये होता क्या है कि जो YouTube है वो भी इसको मतलब काम करते हैं इन पर, तो वो धीरे 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 बढ़ते हैं, एकदम से नहीं बढ़ेंगे। अभी तो कोई रियल टाइम में 32 हो चुका है, मैं इसको वापस रिफ्रेश करूंगा शायद 32 हो जाए या फिर कम भी हो जा सकते हैं, ऐसा कोई मतलब है नहीं। पर हाँ मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर अब ये काम करोगे तो आपके 1 2 महीने में जो 400 आवर्स का जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट, डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद ये काम कर रहा हूँ। पर मैं पहले बोल रहा हूँ रोज का 1 घंटा करना, उससे ज्यादा मत करना, क्योंकि ये बड़े चालाक होते हैं, अगर चैनल ही बैन हो गया फिर काम सब खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये देखो 29 व्यूज हो चुके हैं, 38 व्यूज शायद हुए रियल टाइम में, 42 बता रहा है, अभी देखते हैं क्या होता है रिफ्रेश करने के बाद, 43 व्यूज हो चुके हैं देखा, तो बहुत इफेक्टिव तरीका है ये। अभी उनको बैकग्राउंड में रन होने दो, मतलब अभी 10 मिनट भी नहीं हुए 43 व्यूज हो चुके हैं, और मेरे कुल 206 सब्सक्राइबर है, मेरे भी कभी 210 250 के लगभग थे, वापस से इन्हीं कारणों से वापस कम हो गए, ये वापस सब्सक्राइब कर देते हैं लोग, क्या करें अब, उनको कुछ बोल भी नहीं सकते।
जाओ, मैं YouTube चैनल क्यों अनसब्सक्राइब किया और पकड़ भी नहीं सकते। तो यही है कि अब वो है, ये देखो ये, अब ऐसा कुछ नहीं है कि यार इन्होंने इतना अच्छा बना दिया, क्या ये जो मेरा वीडियो देख रहा है, जो मेरा वीडियो देख रहा है, अगर वो एक कंप्यूटर साइंस वाला बंदा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है वो मुझसे भी अच्छा प्रोग्राम बना सकता है, इसको वो मुझसे भी अच्छा एक ऐसे प्रोग्राम बना सकता है कि मैंने व्यूज के लिए बढ़ाया है, क्या पता सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए बना दे, हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक ऐसी चीज है जिसमें हम हर काम को संभव कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में हम हर काम को संभव कर सकते हैं। यूट्यूब तो क्या, हम कुछ भी कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस की मदद से। तो ठीक है, तो मैंने ले रखा है, तो मैंने ये बनाया था घर पर बैठ कर, मतलब अभी फ्री टाइम में बैठ कर, तो सोचा आप सबके साथ शेयर कर दूं मैं। 57 हो गए व्यूज, देखा, मतलब यही है, कंप्यूटर साइंस में कुछ भी कर सकते हैं अपन। मैं आपको आशा करता हूँ कि आपको मेरा जो वीडियो है वो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज मेरे प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कर देना, उसको मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे नए अपडेट्स आते रहे, और मैं जल्द से जल्द एक नया वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको पूरा बताऊंगा कि पाइथन को अपने पीसी पर कैसे इंस्टॉल करें, कैसे उसका यूज करें, और कुछ कुछ बेसिक मॉड्यूल्स जो हमें इंस्टॉल करने चाहिए वो सब आपकी उसमें इंफॉर्मेशन बताऊंगा। और जैसे कि आप मेरा डेस्कटॉप भी देख सकते हो कि इतना मिनिमल लुक है मेरे डेस्कटॉप का, तो वो उसको भी कैसे अपन कर सकते हैं, जैसे विंडोज में ये सब फीचर्स आते नहीं है, जैसे डॉक है नीचे और ये पूरा ऐसे फीचर्स विंडोज में आते नहीं है, तो मैं इसके ऊपर भी एक नया वीडियो बनाऊंगा, जल्द से जल्द अपलोड करूंगा कि अपने जो डेस्कटॉप है उसको कैसे कस्टमाइज करें अपन, और कुछ बेस्ट एप्लीकेशंस भी आपको बताऊंगा मैं कि कैसे अपन को पीसी पर कुछ बेस्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहिए जिनसे हमारा पीसी सेफ रहे। ठीक है, तो ठीक है गाइस, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा खुद इतने सारे व्यूज अपने आप ही बढ़ा रहा है फिर भी बोल रहा है कि मेरे वीडियो को शेयर करो। वहाँ भाई वहाँ, अब क्या कर रहे हैं, हम यूट्यूबर है, ये बोले बिना हमारा काम बनता नहीं है ये बोलना हमारी आदत है। ठीक है, तो 89 व्यूज हो चुके थे। ओके गाइस, स्टे सेफ, घर में रहना, सेफ रहना, और नए नए क्रिएशन करते रहना, बस कुछ ऐसा मत करना जिससे कोई मार वार पड़ जाए। ओके गाइस, थैंक यू।